नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की इन्वायरमेंटल साइंस बुक का। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो बुक है इसे पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपना इन्वायरमेंटल साइंस एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से जान पाएँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सेमेस्टर वन में आपको ACC हिंदी या फिर ACC इंग्लिश सब्जेक्ट मिलता है, जिससे कि आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है वो स्ट्रांग हो पाए। और जैसे ही आप सेमेस्टर टू में आते हो तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस सभी के लिए मैंडेटरी किया जाता है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से जान पाएँ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर इस बुक के बारे में तो काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग में है। इस बुक का जो कवर है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ग्रीन कलर का है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें जानना है। ग्रीन कलर से हम सिंबल करते हैं नेचुरल रिसोर्स को, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कवर करा गया है। साथ ही इस यहाँ पे कॉलेज का लोगो भी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो बुक है ये ACC के थ्रू आप लोगों को दिया जाता है सेमेस्टर टू में। ACC इन्वायरमेंटल साइंस सभी के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है, सेमेस्टर टू में। एंड इस बुक को कंपाइल्ड किया गया है पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा, यहाँ पे लिखा भी गया है। और अब हम बात कर लेते हैं ACC के बारे में। तो ACC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट्स कंपल्सरी कोर्सेज, ठीक है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हो तो आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। नेचुरल रिसोर्स, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में आपको अच्छे से बताया जाता है। और आप सभी ने अगर 12th में साइंस लिया था तो आप लोग जानते ही होंगे इन्वायरमेंट के बारे में, हम लोग उसमें थोड़ा सा और अच्छे से जान जाते हैं। एंड 10th तक तो सभी को बेसिक नॉलेज होता ही है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी हम सभी जानते हैं। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट दिया गया है कि कंटेंट हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, अच्छे से डिस्क्लोज किया गया है कि हमें इस टॉपिक पे पढ़ना क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 में नेचुरल रिसोर्स है, तो उसके बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से डेफिनेशन हमें याद करने हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो चैप्टर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पर हमारा, और बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे और टीचर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं अगर आप रेगुलर होते हो तो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक